हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WIPL के फाइनल मैच के बारे में। दो टीमें जो आमने सामने होने वाली हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। तो क्या टीमें हैं, क्या ड्रीम इलेवन टीम आपको बनानी है? आपको टीम बनानी है, आपको धंधा नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, अश्नीर ग्रोवर जो है वो आजकल धंधा बनाने इस फील्ड में आ चुके हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेन मैच जो हमारा है वो नहीं रुकना चाहिए, उसकी वीडियो आज आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि कल आपकी टीम बहुत अच्छी बने, ठीक है। 26th of March 2023 में यह मुकाबला खेला जाएगा। मैं आपको बताऊंगा प्रेडिक्शन होता कैसे है। लोग इसको बहुत आसान सी समझते हैं और वैल्यू नहीं करते फैंटेसी इन्फ्लुएंसर्स को, तो वो चीज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। आप जानते हैं जो लोग वीडियो देखते हैं कि कितनी मेहनत लगती है और कैसे हम विनिंग को ग्रैब करते हैं एक एक स्टैट रीड करने के बाद। तो अश्नीर ग्रोवर तुम भी देख लो, तुम्हारे एम्प्लॉइज भी देख लें कि प्रेडिक्शन होता कैसे है और 60 लाख किस चीज के मांगे जाते हैं, ठीक है। मर्सिडीज के शोरूम में घुसने के बाद अल्टो की डिमांड नहीं करी जाती, ध्यान रखिए, ठीक है। ये है मैच, 26 मार्च 2023 में खेला जाएगा। टाइमिंग होगी 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। फाइनल मैच है WIPL का, वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लीग है। दोनों टीमें दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस जबरदस्त खेली हैं और इस मैच में कौन विनर होगा, दोनों टीमों का प्रपोर्शन जो विनिंग का है वो लगभग 50-50% का है। MI से कुछ गलतियां हो गई थी लास्ट में, बट उसको कवर अप करके वो फाइनल्स में आ चुके हैं। फाइनल टीम की जो भी अपडेट्स होगी वो मिलेगी आपको फैंटेसी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे। यूजर नेम क्या है? फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कीजिए ताकि फाइनल टीम के अपडेट आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक है टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन कीजिए, मेरा ही कमेंट है। ब्रबोन स्टेडियम मुंबई में यह मुकाबला खेला जाएगा। अच्छा, ये दोनों टीमें पहले भी WIPL में दो बार मैचेस खेल चुकी हैं, बट इस ग्राउंड पे नहीं खेले, वो DY पाटिल में खेले थे और ये मैच ब्रबोन में होगा। सेपरेटली तो इन टीमों ने यहां पे मैचेस खेले हैं बट आमने सामने नहीं खेले। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से थोड़े से क्लाउड कवर जरूर होंगे, ह्यूमिडिटी होगी, बट बारिश के चांस काफी कम है। मैच पूरा होने की गुंजाइश है और होगा ही। अगर हम बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू ने इस बार कैसा बिहेव किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको इंटरनेशनल स्टैट बताऊंगा इस वेन्यू के, इंटरनेशनल मुकाबलों में क्या हुआ, फिर डोमेस्टिक मैचेस में क्या होता है और लास्ट में आपको टीम प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले देखो इस वेन्यू के स्टैट। ब्रबोन स्टेडियम में इंटरनेशनल के 10 मैच हुए, 5 बैटिंग फर्स्ट 5 बैटिंग सेकंड ने जीते। 165 की एवरेज स्कोरिंग है, 209 हाईएस्ट टोटल ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग का टोटल है, 96 इंग्लैंड वुमेन्स का लोएस्ट टोटल इस वेन्यू पे रजिस्टर्ड है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए वुमेन्स मैचेस में, इंटरनेशनल T20 के वुमेन्स मैचेस में 3 बार 190 के ऊपर बना है, 170 से 189 3 बार बना है, 150 से 169 1 बार बना है, 150 के नीचे 3 बार स्कोरिंग हुई है। आगे हम बात करते हैं क्या चल रहे हैं स्टैट, मतलब आखिरी 4 मैचेस में आखिर हुआ क्या था। दिसंबर 2022 में आखिरी इंटरनेशनल मैच यहां पे हुआ है और उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 196 बनाया था, इंडिया ने 142 बनाया था। देखिए यहां पे 54 रन से फर्स्ट बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत गई थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हमेशा इस IPL में आपको देखेंगे अच्छा करते हुए, तो उन पर ज्यादा फोकस करिए। ये देखिए पेसर्स और स्पिनर्स के विकेट, सारे ही मैचेस जो लास्ट यहां पे खेले गए वुमेन्स के सारे लिखे हुए हैं और स्पिन पेस के जो भी रेशो हैं वो भी लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा और जरा सा मैं AC को चालू कर लूं, गर्मी बढ़ गई है। ये देखिए ये कुछ और मैचेस है जो लास्ट यहां पे खेले गए और स्पिन पेस के रेशो लिखे हुए। अब मैं आपको एक समरी बताता हूं, समरी यानी कि आखिरी 4 मैचेस में क्या हुआ है। पेसर्स ने निकाले हैं 26 विकेट और स्पिनर्स ने निकाले हैं 20 विकेट, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि पेसर्स इस वेन्यू पे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर चुके हैं, बट इस IPL में क्या किया है वो भी आगे बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, स्किप यहां से वहां करेंगे वीडियो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। क्वालिटी वीडियो है, क्वांटिटी वीडियो नहीं है, ध्यान रखिएगा। वीडियो बड़ा हो गई होगा क्योंकि स्टैट उस लेवल के हैं। दोनों टीमों ने इस WIPL में 2 मुकाबले खेले, मुंबई इंडियंस ने 1 जीता, दिल्ली कैपिटल्स ने भी 1 जीता, यानी दोनों टीमें इस WIPL में एक एक मैच जीत चुकी हैं। ये देखिए एक मुंबई इंडियंस जीती है और एक दिल्ली कैपिटल्स जीती है, ठीक है। तो 50-50% लगभग चांस होगा इन टीमों के विन करने का। अब देखो इस वेन्यू पे इस IPL में कितने मैचेस हुए, WIPL में 10 मुकाबले, 4 बैटिंग फर्स्ट 6 बैटिंग सेकंड ने जीते, 170 की एवरेज स्कोरिंग देखी गई इस वेन्यू पे, हाईएस्ट टोटल DC वुमेन्स का 223 है और लोएस्ट टोटल RCB वुमेन्स का 138 है जो देखा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न की, तो स्कोरिंग पैटर्न में आप देखिए मैक्सिमम टाइम स्कोरिंग कहां हुई है,
150 के बिलो और 150 से 169, ये रेंज सबसे ज्यादा हिट हुई है। 6 बार ऐसा हुआ है कि स्कोरिंग 169 के नीचे बनी है और 4 बार ऐसा हुआ है कि 170 से 190 भी क्रॉस किया है। ठीक है, तो 170 के ऊपर 4 बार स्कोरिंग हुई है, 170 के नीचे 6 बार स्कोरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं स्कोरिंग जो है 160-170 के आसपास होनी चाहिए और ये हमें एवरेज स्कोर भी ये चीज बताता है। ठीक है, अब देखते हैं इस WIPL में लास्ट मैचेस कौन से हुए। लास्ट मैच 21 मार्च को इस वेन्यू पे हुआ था, जिसमें आप देखिए स्कोरिंग लो हुई थी। यूपी वुमेन्स 130, डीसी वुमेन्स 142। पेसर्स को टोटल 6 विकेट उस मैच में मिली थी और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली थी। फिर आप देखिए यहाँ पे 20 मार्च का एक और मुकाबला है, गुजरात वुमेन्स और यूपी वुमेन्स का। ये थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच रहा था, पेसर्स 4 विकेट लेके गए थे और स्पिनर्स को टोटल 8 विकेट मिली थी। ये वेन्यू यहाँ पे स्पिनर्स को काफी मदद किया था। फिर एक और मैच देखिए, यहाँ भी स्पिनर्स ने अच्छा किया है और बैटर्स ने अच्छा किया है। एक और मैच है, स्पिनर्स ने अच्छा किया है, बैटर्स ने अच्छा किया है। ओवरऑल आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि स्पिनर्स यहाँ पे अच्छा करते हैं और बैटर्स के लिए वेन्यू काफी अच्छा होता है, पेसर्स के लिए थोड़ी दिक्कत समस्या है अंटिल अनलेस वो डेथ में बॉलिंग ना करते हो। तो डेथ बॉलर्स हैं तो ले लीजिए, बट नॉर्मल पेस बॉलर्स हैं तो उनसे ज्यादा आपके स्पिनर्स अच्छे होंगे। अब देखो लास्ट 4 मुकाबले में WIPL में सिर्फ 16 विकेट पेसर्स यानी फास्ट बॉलर्स को मिली और 24 विकेट स्पिनर्स लेके गए हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में क्या चल रहा है, किसने किस इनिंग में ज्यादा विकेट लिया। अगर फास्ट बॉलर ने 16 विकेट लिए हैं तो फर्स्ट इनिंग में 7 और सेकंड इनिंग में 9 लिए हैं। वैसे ही स्पिनर्स ने अगर 24 विकेट आखिरी 4 मैच में निकाली हैं तो फर्स्ट इनिंग में 13 और सेकंड इनिंग में 11 निकाली हैं। हेड टू हेड मैं आपसे शेयर कर ही चुका हूं दोनों टीमों का, फिर से आ गया यहां पे, फिर से देख लो। MI और DC ने 2 मैच खेले, दोनों टीमें एक एक मैच इस IPL में जीती हैं। अब आगे देखो, क्या इस वेन्यू पे कोई मैच खेला? मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों टीमों के बीच में जो भी 2 मैचेस हुए थे वो DY पाटिल में हुए थे। ब्रैबोन में नहीं खेला एक भी मुकाबला अभी तक इन लोगों ने, तो इनका पहला मुकाबला आमने सामने है। वैसे तो खेला है, 3-3 मैच दोनों टीमें खेल चुकी हैं, बट दूसरी टीमों से खेली हैं। जैसे मुंबई ने 3 मैच खेले, तीनों के तीनों जीते, तो इनका विनिंग रिकॉर्ड इस वेन्यू पे बहुत अच्छा है, जो इनके फेवर में है, MI के फेवर में। DC के फेवर में क्या है, 3 मैच इन्होंने खेले, 2 जीते 1 हारे, तो इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है इस वेन्यू पे। तो दोनों टीमों ने इस वेन्यू पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा जो इन टीमों ने आखिरी 2 मैचेस खेले थे उसमें किन किन प्लेस की परफॉर्मेंस अच्छी आई थी, किन की खराब आई थी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। लास्ट मैच इनके बीच में हुआ था 20th of March 2023 को, जिसमें MI वुमेन्स ने 109 बनाया था, DC वुमेन्स ने 110 बनाया था। इस मैच को DC वुमेन्स 9 विकेट से जीत गई थी, MI विकेट ही नहीं ले पाया DC के। ठीक है, अब देखो MI की तरफ से पूजा पत्रकार ने 26 बनाए थे, हरमनप्रीत कौर ने 23 रन बनाए थे, हेली मैथ्यूज को 1 विकेट मिला था। बाकी MI की टीम पूरी फ्लॉप ही रही थी उस मैच में, क्योंकि विकेट ले नहीं पाए, 1 विकेट हेली मैथ्यूज लेके गई DC वुमेन्स का। देखो MI वुमेन्स से DC वुमेन्स का सिर्फ 1 विकेट निकला है। बाकी बैटर्स में पूजा ने 26 बनाए, हेली ने हरमनप्रीत ने 23 बनाए, नेट सीवर, याष्टिका भाटिया कोई भी नहीं चला था उस मैच में। DC वुमेन्स से किसने परफॉर्मेंस दी थी, 38 नॉट आउट रही थी एलिस कैप्सी, शिफाली वर्मा ने 33 बनाए थे, शिखा पांडे को 2 विकेट मिली थी, जॉनसन ने 2 विकेट निकाली थी, और यहां मरीजना कैप का मैं लिखना भूल गया, मरीजना कैप ने भी 2 विकेट निकाली थी। ठीक है, तो ये रहा था परफॉर्मेंस लास्ट टाइम जब ये टीमें आपस में भिड़ी। अच्छा, उसके पहले भी एक मैच खेला है 9 मार्च 2023 को, इस मैच को MI वुमेन्स 8 विकेट से जीत गई। तो कभी DC वुमेन्स 9 विकेट से जीत जाती है, कभी MI वुमेन्स 8 विकेट से जीत जाती है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब है कि दोनों टीमों के पास कुछ ना कुछ है और मैच कहीं भी पलट सकता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि MI ही जीतेगी या दिल्ली कैपिटल्स ही भी जीतेगी, क्योंकि बड़े बड़े मार्जिन से एक दूसरे को इन लोगों ने हराया हुआ है इसी सीजन के आखिर 2 मैचेस में। अब इस मैच में देखो, याष्टिका भाटिया 41, मैथ्यूज 32 रन और 3 विकेट, नेट सीवर का तो आता ही पता नहीं है, दोनों ही मैचेस में नेट सीवर ना बैटिंग में चली ना बॉलिंग में चली जब ये टीमें आपस में खेली हैं, यानी कहीं ना है उनको प्रॉब्लम है DC की बॉलिंग से। किसको? नेट सीवर को। ध्यान रखिएगा, साइका शाक ने 3 विकेट निकाले, इजी वॉन्ग ने 3 विकेट निकाले, और तारा नॉरिस यहां से 1 विकेट, जेमी रॉड्रिग्स 25 रन, मैगलन 43 रन। ये परफॉर्मेंस रही थी DC वुमेन्स की तरफ से कुछ प्लेयर्स की। ठीक है, तो ये हो गई हेड टू हेड परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में कौन सी टीम का परसेंटेज ज्यादा है, तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, फाइनल का मैच है, दोनों टीमों एक दूसरे को बड़े बड़े मार्जिन से हरा चुकी हैं, तो 50-50% का चांस है मेरे हिसाब से। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि MI फेवरेट है, कि MI के फैंस खुश हो जाएं या दिल्ली कैपिटल्स के फैंस खुश हो जाएं, बट दोनों टीमों ने दोनों ही मैचेस में अपनी डोमिनेंस दिखाई थी, तो 50-50% का चांस है दोनों टीमों का विन करने का। ध्यान रखिएगा, वन साइडेड टीम बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं मुंबई इंडियंस की। क्या प्लेइंग 11 होगी मुंबई इंडियंस की? तो मुंबई इंडियंस की तरफ से याष्टिका भाटिया, जो कि विकेट कीपर बैटर भी हैं, ये ओपन करेंगी हेली मैथ्यूज के साथ। अब देखो, याष्टिका भाटिया बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, पिछले मैच में भी जल्दी आउट हो गई थी, हालांकि 4 चौके लगाए थे इन्होंने, बट उसके बाद 4-5 चौकों के बाद ये विकेट अपना
खो बैठी थी, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस इनको खेलना पड़ेगा, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट अभी ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, क्योंकि डीसी वुमेन्स में विकेट कीपर जो है ना वो बहुत ही थर्ड क्वालिटी विकेट कीपर है, मतलब उनकी बैटिंग भी आ नहीं पाती है, विकेट कीपिंग बहुत अच्छी कर नहीं पाते हैं। तो याष्टिका भाटिया आपके लिए मस्ट हैव है, इसको लेना ही है आपको, ठीक है। हेली मैथ्यूज ये सीजन अच्छा खेली है, और सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन टीम के सामने थोड़े से ठीक ठाक रिकॉर्ड है, नेट सीवर के अच्छे रिकॉर्ड नहीं है अपोजिशन टीम के सामने, बट प्लेयर ये बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी वाइस कप्तान तो ये रहेंगी। अगर मैं कैप्टन मैथ्यूज करूंगा तो वाइस कैप्टन नेट सीवर को करूंगा, कैप्टन नेट सीवर को शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, भले ही पिछले मैच में बैटिंग अच्छी करी, बट इनका दोनों ही मैचेस का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के सामने थोड़ा सा खराब है। फिर हरमनप्रीत कौर आती हैं, इनसे अच्छा बैटिंग एवरेज बहुत कम लोगों का होगा। मैं आपको बता दूं, सामने वाली टीम में मैग लेरिन है, उनका 38 या 39 के आसपास की बैटिंग एवरेज है, इनकी 32 के आसपास की है, बाकी किसी प्लेयर्स की आसपास बैटिंग एवरेज तक नहीं है। हरमनप्रीत कौर को मत छोड़ना, बैटिंग कभी कभी लेट आती है वो इशू हो जाता है, बट जब जब बैटिंग आती है मोस्ट ऑफ द मैच में हरमन अच्छा खेलती हैं, और ये तो फाइनल मैच है, इनसे एक्सपेक्टेड है। अमेलिया केर की बैटिंग आने का चांस बहुत लेस होता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, बट बॉलिंग ये ऐसी करती है ना कि मैच पलट देती हैं, चार ओवर कराएंगी, दो विकेट तो मुझे इनके वैसे ही दिखते हैं, बहुत ही गजब की बॉलिंग करती हैं, लेग ब्रेक बॉलर है। अमनजोत कौर टीम में कोई खास है नहीं, मतलब खास कोई इंप्रेशन नहीं है कि हर मैच में चल ही रही है, कभी टीम इनसे एक आध ओवर डलवा रही है, कभी बैटिंग थोड़ी बहुत कर रही है, तो छोड़ दीजिए इनको। तो हुमेरा काजी, इनसे भी कुछ टीम ज्यादा कुछ ले नहीं रही है। साइका इशाक और इजावेला का काफी यूज टीम कर रही है, पिछले मैच में कलीटा का भी यूज किया, बट फाइनल मैच में आई डोंट थिंक इनका यूज किया जाएगा, किया भी जाएगा तो एक आध ओवर शायद मिले इनको, वो खराब गया तो फिर नहीं मिलेगी बॉलिंग। इजावेला वोंग ये मेन डेथ बॉलर है इस टीम की फिलहाल के लिए, बट डेथ बॉलिंग इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इनके पास हेली मैथ्यूज जैसी डेथ बॉलर भी है जो विंडीज टीम से डेथ बॉलिंग करती है, नेट सीवर इनके पास जो इंग्लैंड की टीम से डेथ बॉलिंग करती है, अमेलिया के न्यूजीलैंड की टीम से डेथ बॉलिंग करती है, यहाँ पे इजावेला वोंग भी डेथ बॉलिंग करती है, तो इतने सारे डेथ बॉलर इनके पास, तो कुछ कहा नहीं जाता कौन डेथ में बॉलिंग करे, कहा नहीं जा सकता। अगर आप मुझसे पूछे कौन कितने ओवर्स करेगा, तो इजावेला वोंग को मेरे हिसाब से पूरे चार ओवर करने चाहिए, साइका इशाक को पूरे चार ओवर करने चाहिए, अमेलिया केर को पूरे चार ओवर करने चाहिए, नेट सीवर तीन से चार ओवर मान लीजिए, हेली मैथ्यूज तीन से चार ओवर मान लीजिए, बाकी के जो एक आध दो ओवर बचेंगे शायद जिंटे मानी कैलिटा या फिर और प्लेयर्स पे ट्राई किए जाएं, बट चांसेस कम है। ये टीम बहुत अच्छी है, देख लीजिए कौन इसमें ऑफ ब्रेक बॉलर है, कौन इसमें लेफ्टी बैट्समैन है, कौन इसमें राइट आर्म फास्ट मीडियम, कौन राइट आर्म मीडियम है, कौन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टीम तो मैं ही दूंगा। सो बट फिर भी नॉलेज के लिए अच्छा रहता है आपके लिए, देखते रहिएगा। अब जो प्लेयर्स मैंने आपको बताए इनके स्टेट चल क्या रहे हैं वो तो बता दूं आपको, जैसे कि याष्टिका भाटिया रीसेंट फॉर्म क्या है, पिछले मैच में 21 बनाया, उसके पहले 30 बनाया, दो मैच स्कोरिंग 10 से नीचे रही, फिर 40 40 40 के तीन स्कोर आए, तो ये फॉर्म में तो है, एक्सपीरियंस भले ही नहीं है बट फॉर्म में तो प्लेयर है। अपोजिशन टीम डीसी के सामने दो मैच खेले, एक में 40 बनाया, एक में एक रन बनाया। अब सबसे अच्छी बात वेन्यू पे देखो, आखिरी तीन के तीन मैच 44, 42, 23 ये स्कोर किए इन्होंने, और सबसे बड़ी बात ये तीनों के तीनों मैच जीते थे इन लोगों ने, एमआई की टीम ने, तो इस वेन्यू पे रिकॉर्ड याष्टिका का काफी अच्छा है। फिर आ जाइए हेली मैथ्यूज की तरफ, कुछ ना कुछ रन हर बार बना रही हैं, प्लस बॉलिंग भी ठीक कर रही हैं, लगभग तीन से चार ओवर आप इनके देखेंगे। अपोजिशन टीम के सामने दोनों बार बॉलिंग अच्छी करी और एक बार बैटिंग अच्छी करी हेली मैथ्यूज ने। इसके बाद इस वेन्यू पे क्या किया है ब्रबोन में, तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी की है, बैटिंग में एक बार रन्स बनाए हैं, दो बार स्कोरिंग नहीं करी, बट ओवरऑल ये वेन्यू भी इनको सूट करा, अपोजिशन टीम भी सूट करी, खास करके बॉलिंग के लिहाज से। अब देखो नेट सीवर मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हैं, बट लास्ट मैच में बैटिंग तो करी, बट उसके पहले बैटिंग स्टैट थोड़े से कमजोर रहे थे, बॉलिंग स्टैट भी थोड़े से कमजोर रहे थे, ओवरऑल ये प्लेयर बहुत अच्छी है। अब देखो अपोजिशन टीम के सामने कोई विकेट नहीं है दो मैच में, और रन्स भी ना के बराबर है। वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो रन्स बहुत ज्यादा हैं, यानी ये वेन्यू इनको बहुत सूट करता है, एज अ बैटर ये यहाँ पे चलती ही है, और एज अ बॉलर भी दो बार अच्छा किया है तीन में से, तो कहीं ना कहीं हेली मैथ्यूज और नेट सीवर इनके हाथ में रहेगी एमआई की डोर। अगर ये दोनों चल गई तो फिर सामने वाली टीम कुछ ना कर पाए, अगर इनमें से एक भी जल्दी आउट हो गया या दोनों आउट हो गए तो फिर तो टीम खेल खत्म हो जाएगा टीम का, ठीक है। अब यहाँ पे आती हरमनप्रीत कौर जो कि नंबर चार पे बैटिंग करती है, इनका एवरेज बहुत अच्छा है, आगे मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी अपॉर्चुनिटी कभी कभी कम मिलती है क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल जाता है कि शायद ओवर्स नहीं बचते या फिर टाइम नहीं बचता, बट प्लेयर अच्छी है, फर्स्ट बैटिंग में तो मस्ट हैव है। ये देखिए आखिरी दो मैच इनके डीसी के सामने, और इस वेन्यू पे रिकॉर्ड देखो, आखिरी दो मैच से 50-50 के स्कोर है, मोस्ट ऑफ द मैच में इस वेन्यू पे अच्छा किया हरमनप्रीत ने। फिर आते हैं अमेलिया केर की तरफ, टाइम आता है तो बैटिंग भी करती है, बॉलिंग तो ये अच्छी करती ही है, तो अमेलिया केर तो आपको लेनी ही चाहिए। अपोजिशन टीम के सामने हालांकि दोनों मैचेस में कोई विकेट नहीं है इनके पास, और इस वेन्यू पे इनके पास लगातार विकेट ही विकेट है, हर बार दो विकेट निकालती है ये इस वेन्यू पे, तो ब्रबोन इनको बहुत सूट करता है, तो इस मैच में भी दो विकेट तो लेनी चाहिए, और शायद बोनस मिला तो रन्स वगैरह भी बन जाए, इंपॉर्टेंट तो है।
फिर अमनजोत कौर, हुमैरा काजी, इनको छोड़ दीजिए, कोई काम की प्लेयर नहीं है, टीम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटिंग के साथ करती है, उससे आपको जीत नहीं पाएंगे। साइका इशाक और यहां से इजाबेला बॉम, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीन तीन चार चार ओवर लगभग कंप्लीट कर रही है और दोनों का फॉर्म बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस अपोजिशन टीम के सामने दोनों का रिकॉर्ड देखे तो दोनों ने देखो एक मैच में तीन तीन विकेट निकाले थे, दूसरे मैच में इनको विकेटें नहीं मिली थी, उसको छोड़ दीजिए। बट इजाबेला और साइका इशाक एक मैच में तीन तीन विकेट ले चुकी हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये फिर से डोमिनेट कर सकती हैं। और वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो इजाबेला का बहुत अच्छा नहीं है, साइका इशाक का काफी अच्छा रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। और जिनते मानी कलीटा, पूजा वस्त्रकार, इन सबको छोड़ दीजिए, इनसे टीम बॉलिंग तो करा नहीं रही है। पूजा का कभी कभी यूज बैटिंग में जरूर अच्छा हो जाता है, पूजा कभी कभी प्रमोट होती है बैटिंग में, बस वही एक स्ट्रेंथ है, बाकी बॉलिंग ये कर नहीं रही। जब से इंजर्ड हुई इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में इंजर्ड हुई थी, उसके बाद से फिर बॉलिंग बहुत ही कम करी है पूजा ने, या फिर नहीं करी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप स्टैट वगैरह देख लो, बेंच में ये प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी प्लेयर अगर खेलता है तो स्टैट बेस पे टीम में ले सकते हैं। रिसेंट फॉर्म लिखा है, अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड लिखा है और वेन्यू पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है। ग्राहम हेतर ग्राहम लास्ट टाइम इसी वेन्यू पे चार विकेट लेके गई थी, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जो प्लेयर्स मैंने अभी आपको बताए इनके वर्ल्ड लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो कैरियर परफॉर्मेंस बता रहा हूं मैं इनके, जैसे याष्टिका भाटिया अपने कैरियर में 33 मैच खेल चुकी हैं T20 लीग्स के मैचेस में लाके और T20 इंटरनेशनल मैचेस में लाके, सारे मिला दीजिए तो 33 मैच खेले हैं, 501 रन है, बैटिंग एवरेज अब इनका 18 का हो चुका है। हेली मैथ्यूज 200 मैच खेल चुकी हैं, 3700 से ऊपर रन है, 180 विकेटें भी निकाली हैं, बैटिंग एवरेज 20 का है, बॉलिंग एवरेज 19 का है। बैटिंग एवरेज क्या होता है, एक प्लेयर आउट होने के लिए कितने रन बनाता है, उसका जो टोटल रन होता है ना, मतलब उसके कैरियर के जो भी टोटल रन है ना, उसको आप नॉर्मल मैचेस से डिवाइड नहीं करेंगे। 200 मैच खेले जरूर है बट ये आउट कितने में हुई है, हो सकता है 200 में से 175 मैच में ये आउट हुई हो, तो 175 से डिवाइड करेंगे आप 3700 को, ठीक है, ना कि 200 से। 200 से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मल एवरेज आएगा, नॉर्मल एवरेज तो आप निकाल सकते हैं, बट ये नॉर्मल एवरेज नहीं है, ये बैटिंग एवरेज है। यानी एक बार विकेट देकर प्लेयर कितने रन बनाता है, 175 बार आउट हुआ तो 175 से डिवाइड कर दो 3700 को, 3700 डिवाइड बाय 175 तो बैटिंग एवरेज आ जाएगा। जिस प्लेयर का जितना ज्यादा बैटिंग एवरेज, यानी कि वो उतने ज्यादा रन बना के अपना एक बार विकेट देता है, सीधी सी बात है, एक विकेट देने में वो कितने रन बनाता है ये उसकी पावर है। जैसे यहाँ पे देखो हरमनप्रीत कौर एक बार विकेट देने में 32 रन बनाती है ना, वैसे 30 का एवरेज है नेट सीवर का, एक बार विकेट देने में ये 30 रन बनाती है, ये बताता है कि ये कितने अच्छे बैटर्स हैं। अब बॉलिंग एवरेज क्या होता है, बॉलिंग एवरेज फिर से बता देता हूँ, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा वो उतना अच्छा बॉलर है, क्योंकि बॉलिंग एवरेज का मतलब ही है कि एक बॉलर कितने रन खाता है एक विकेट निकालने के लिए, जितने कम रन खा के विकेट निकालेगा उतना अच्छा बॉलर, उतना अच्छा बॉलर माना जाएगा। तो यहाँ पे बॉलिंग एवरेज जिसका कम हो ना, स्लैश के बाद जो लिखा है ये बॉलिंग एवरेज है, ये जिसका जितना कम है ना उतना विकेट टेकिंग बॉलर है। जैसे हेली मैथ्यू ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर है नेट सीवर से, वैसे ही अमेलिया केर सबसे विकेट टेकिंग बॉलर है, 17 के आसपास का बॉलिंग एवरेज इसका। तो ऐसे देखना सीखिए स्टैट को, सब कुछ लिखा है किसका बैटिंग एवरेज कितना, किसका बॉलिंग एवरेज कितना, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट देखो आगे बढ़ते हैं। अमनजोत कौर 11 मैच में 65 रन, कोई विकेट नहीं, 21 का बैटिंग एवरेज। स्लो ट्रायन 132 मैच 1500 रन 35 विकेट, 19 का बैटिंग एवरेज, बॉलिंग एवरेज 32 का है। हेतर ग्राम 168 मैच में देखिए 19 का बैटिंग एवरेज, 21 का बॉलिंग एवरेज। पूजा वस्त्रकार 66 मैच में 40 विकेट है, इनका बॉलिंग एवरेज 25 का बनता है। इजाबेला बॉम के 62 मैचेस में 47 विकेट्स हैं, 29 की बॉलिंग एवरेज इनकी, ठीक है। अब देखिए दिल्ली कैपिटल्स की क्या प्लेइंग 11 है, तो दिल्ली कैपिटल्स के पास हैं शेफाली वर्मा, जो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है कंसिस्टेंट नहीं है, कभी भी फ्लॉप हो सकती है। मैगलेरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटर है इस टीम से, बल्कि दोनों टीमों से। एलिस कैप्सी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। जेमिमा रोड्रिगेस T20 की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, प्लेयर मतलब नंबर 4 पे खेल रही, शायद इसलिए लोग इनको पिक नहीं कर रहे। अगर ये ओपन करती ना तो मैं शेफाली वर्मा को ना लेके हर बार मैं रोड्रिगेस को लेता। बैटिंग एवरेज यार 31 के आसपास का है, शेफाली का भी दिखाऊंगा बट बैटिंग एवरेज ज्यादा अच्छा जेमिमा का है। फिर आती मरीजना कैप, जो 4 ओवर पूरे डालेंगी, डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर लेती हैं, बैटिंग भी अच्छी करती हैं। तानिया भाटिया बहुत एवरेज पिक है, अरुंधति रेड्डी थोड़ी सी एवरेज पिक है, चिका पांडे का फॉर्म काफी सुधरा, जोनसन काफी बढ़िया स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के। फिर राधा यादव, पूनम यादव का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। अब देखो कौन कितने ओवर बॉलिंग करेगा, सबसे पहले जोनसन को इंपॉर्टेंट मैच है, पूरे 4 ओवर करने चाहिए। शिखा पांडे इंपॉर्टेंट मैच है, जिस आपका फॉर्म है 4 ओवर पूरे इनको भी करने चाहिए, ठीक है। राधा यादव, पूनम यादव जैसी बॉलिंग करेंगी वैसे ओवर्स मिलेंगे, तो मैं इनके मान के चल रहा हूं 2-3 ओवर पूनम के और 2-3 ओवर राधा के, ठीक है। जिस आपकी इनकी बॉलिंग चल रही शायद इनको इतने ही ओवर मिलेंगे। अरुंधति रेड्डी शायद एक आध ओवर बॉलिंग करेंगे। मरीजना कैप पूरे 4 ओवर बॉलिंग करने चाहिए। तो ये स्थिति होगी और
स्केप्सी, इनसे भी टीम चाहे तो एक आध दो ओवर करवा सकती है। तो ये है इनकी बॉलिंग लाइनअप जिसमें मेन बॉलर होंगे जॉनसन, शिखा पांडे और मरीजना कैप। ये तीन बॉलर्स को आप मान के चलो मेन बॉलर, बाकी बॉलर्स के ओवर्स कभी भी कहीं भी कट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनकी फटाफट बैटिंग ऑर्डर देख लो, कौन लेफ्टी बैट्समैन कौन राइटी बैट्समैन है, कौन लेफ्ट आर्म पेसर है कौन राइट आर्म पेसर है, कौन लेग ब्रेक है कौन ऑर्थोडॉक्स है, फटाफट देख लो आगे बढ़ते हैं। अब देखो फॉर्म कैसा है प्लेयर्स का, शेफाली वर्मा का देखो फॉर्म 21-33-8-0-76-2-17-84। आप देखो कि शेफाली वर्मा लगभग हर तीन मैच बाद एक अच्छी इनिंग खेलती है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी है शेफाली वर्मा में और मेरे हिसाब से थोड़ी सी एवरेज पिक रहेंगी। एमआई वुमेन्स के सामने एक बार 33 बनाए एक बार 2 रन बनाए, इस वेन्यू पे 21-8-84 ये इनके तीन स्कोर्स रजिस्टर्ड है। फिर आती है मैकग्लेनन, इनका बैटिंग एवरेज जो है कैरियर का 39 के आसपास का है। अब देखो इनके परफॉर्मेंसेस भी लगभग एवरेज जो बनाएंगे वो 39 के आसपास का बनाएंगे। ठीक है, तो बैटिंग एवरेज से आपको काफी कुछ पता चलता है, बहुत टिकाऊ प्लेयर है, लेना चाहिए आपको। दोनों बार एमआई के सामने 32-43 का स्कोर किया, इस वेन्यू पे 39-18-72 का स्कोर किया, लेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। फिर आ जाइए कैप्सी की तरफ, पिछले मैच में काफी बॉलिंग कराई थी, तीनों विकेट मिल गए थे, 34 रन भी बनाए। बैटिंग में तो ये हमेशा चलती है कैप्सी, अगर इसकी बैटिंग टाइमली आ जाए, नंबर तीन पे खेले तो बैटिंग आई जाएगी, कभी कभी पांच मैच पे टीम खिला लेती है तब बैटिंग आना मुश्किल है। बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं है कैप्सी की, बट वही है कि बॉलिंग करेंगी तो बोनस ही होता है। जैसे पिछले मैच में 3 विकेट निकाल लिए, उसके पहले 2-3 मैच कोई विकेट नहीं मिल रही थी बट रन्स बना रही थी लगातार, इंपॉर्टेंट तो रहेंगी। अपोजिशन टीम एमआई के सामने एक बार रन्स बनाए एक बार विकेट निकाला, इस वेन्यू पे देखें तो 2-3 में से 2 मैच में विकेट निकाले हैं और 3 में से 2 मैच में रन्स भी बनाए, तो कैप्सी भी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है जमाइमा रोड्रिगस, थोड़ा सा डाउन बैटिंग ऑर्डर आया है इनका, बट ग्रैंड लीग वाले जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि 31 का बैटिंग एवरेज इस प्लेयर का, कैप्सी से भी ज्यादा अच्छा बैटिंग एवरेज है। रोड्रिगस लॉन्ग टर्म में अच्छी प्लेयर है, ग्रैंड लीग वाले ट्राई करिएगा। अपोजिशन टीम के सामने एक बार बैटिंग नहीं आई, एक बार 25 बनाए थे, दिक्कत ये होती कभी बैटिंग नहीं आ पाती इस पोजीशन पे और इस वेन्यू पे अब तक नहीं चली रोड्रिगस। मरीजना कैप रिसेंटली फॉर्म बॉलिंग में बहुत एवरेज है और बैटिंग फॉर्म फिर भी थोड़ा सा बेटर है। अगर आप इनका देखें अपोजिशन टीम के सामने तो एक बार 2 विकेट निकाली और एक बार विकेट नहीं मिली थी। इस वेन्यू पे अगर आप रिकॉर्ड देखें इनका तो एज अ बैटर तो बहुत अच्छा किया मरीजना कैप ने, बट एज अ बॉलर काफी खराब खेली है इस वेन्यू पे मरीजना कैप। अब देखिए आगे तानिया भाटिया आती, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, अरुंधति रेड्डी को भी छोड़ो, शिखा पांडे इंपॉर्टेंट होंगी, पिछले मैच में 2 ही ओवर कराए विकेट नहीं मिली बट इस मैच में आई थिंक पूरे 4 ओवर करेंगी और विकेट मिलने के भी चांसेस होंगे। 2 मैच खेले एमआई के सामने, एक में 2 विकेट है, एक में 0 विकेट है और इस वेन्यू पे कोई विकेट विकेट नहीं है, मतलब है 3 में से 1 मैच में 1 विकेट है, बट है प्लेयर अच्छी शिखा पांडे, डेथ ओवर में आ सकती हैं। जेस जॉनसन की बात करें, ये भी डेथ के आसपास बॉलिंग करती हैं, परफॉर्मेंस अगर आप इनका देखें तो अच्छा है, कभी कभी बैटिंग में बहुत अच्छा करती हैं जॉनसन। अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड एवरेज है, वेन्यू पे रिकॉर्ड देखें तो एवरेज है। फिर आइए राधा यादव पूनम यादव, तो यहाँ पे बॉलिंग वगैरह इनकी काफी खराब है, कुछ खास नहीं है और अपोजिशन टीम के सामने रिकॉर्ड देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है। अगर आप इससे देखें वेन्यू पे रिकॉर्ड, तो वेन्यू पे रिकॉर्ड भी जो है वो काफी एवरेज है, मतलब आप देखिए राधा यादव ने इस वेन्यू पे लास्ट टाइम 2 विकेट निकाले बट उसके पहले 2 मैच में विकेट नहीं निकाली। ये वेन्यू अपोजिशन टीम के सामने कोई विकेट नहीं है और मोस्ट ऑफ द मैच में विकेट नहीं है। ऐसे ही पूनम यादव का भी आप देखिए कोई ज्यादा विकेट्स नहीं है, बहुत टाइम से फॉर्म भी खराब चल रही पूनम यादव की। तो ये है इन प्लेयर्स की कहानी। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा प्लेयर्स की, तो ये वो एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं जिनके खेलने के थोड़े बहुत चांसेस शायद रहेंगे, रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, अगेंस्ट एमआई फॉर्म भी लिखा हुआ है और इस वेन्यू पे भी जो रिकॉर्ड है वो लिखा है। तारण और इसने इस वेन्यू पे एक बार 5 विकेट निकाले थे, गौर करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो प्लेयर्स मैंने अभी आपको बताए इनका कैरियर परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो देखिए शेफाली वर्मा आती हैं, 96 मैचेस खेले T20 इंटरनेशनल डोमेस्टिक में, 2100 से ऊपर रन है, 6 विकेटें हैं, 23 का बैटिंग एवरेज और 27 का बॉलिंग एवरेज है। अब देखो बैटिंग एवरेज सिर्फ 23 का है और मैंने आपको कंपेयर कराया था रोड्रिगस से, 31 का बैटिंग एवरेज है और मैचेस भी रोड्रिगस ने ज्यादा खेले, रन्स भी बहुत ज्यादा बनाए हैं। तो रोड्रिगस और शेफाली वर्मा में हमेशा रोड्रिगस अच्छी ऑप्शन होंगी। शेफाली को लोग इसलिए पिक करते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर में आती हैं, रोड्रिगस की कभी कभी बैटिंग नहीं आ पाती क्योंकि 4 के आसपास खेलती हैं, तो ये कभी कभी समस्या आती है, वरना रोड्रिगस हमेशा वर्मा से तो अच्छी प्लेयर है। अब देखो ना रन्स के मामले में भी और बैटिंग एवरेज के मामले में भी, ठीक है। अब आती है मैकग्लेनन, 285 मैचेस का एक्सपीरियंस है T20 इंटरनेशनल डोमेस्टिक मिला के, अगर आप रन्स देखें तो 8,500 के आसपास रन्स है और इनका बैटिंग एवरेज 39 के आसपास है, 39.55, ऑलमोस्ट 40 के आसपास की बैटिंग एवरेज है, वुमेन्स मैचेस में होती नहीं इतनी एवरेज, बहुत ज्यादा है। मरीजना कैप देखो 254 मैचेस का एक्सपीरियंस है, 3200 रन 241 विकेट है, 22 का बैटिंग एवरेज, 18 का बॉलिंग एवरेज है। कैप्सी का देखो 65 मैचेस, 1200 रन 44 विकेट है, 24 का बैटिंग एवरेज, 20 का बॉलिंग एवरेज। बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज मैंने आपको पहले बता दिए थे, अगर आप वीडियो स्किप करके आए हैं तो वापस से जाइए शुरुआत से वीडियो को देखिए और समझिए क्या होते हैं बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज, ठीक है, वीडियो पूरा देखा करिए।
अब आते हैं कुछ और प्लेयर्स। तानिया भाटिया 74 मैच में बैटिंग एवरेज सिर्फ 9 का, तो आप इनसे क्या ही बैटिंग एक्सपेक्ट करेंगे। शिखा पांडे 78 मैचेस में 57 विकेट्स, बॉलिंग एवरेज 24 के आसपास। जॉनसन 292 मैचेस 282 विकेट्स, 20 का बॉलिंग एवरेज। फिर आइए राधा यादव और तारा नॉरिस की तरफ, 96-92 विकेट्स, 35 मैच 31 विकेट्स, 22 का बॉलिंग एवरेज, 17 का बॉलिंग एवरेज। यहाँ पे सबसे अच्छा बॉलिंग एवरेज किसका है? तारा नॉरिस का। बट नॉरिस को ज्यादा एक तो खेलने नहीं मिलता, खेलने मिलता है तो ज्यादा इनको बॉलिंग वगैरह नहीं मिलती है। वैसे अगर आप देखें यहाँ पे राधा यादव, तो इनकी बॉलिंग एवरेज काफी बिगड़ी पड़ी है, और जॉनसन की बॉलिंग एवरेज बहुत अच्छी है, 20 के आसपास की। यानी ये सबसे विकेट टेकिंग बॉलर इस टीम में अगर मैं बोलूं तो जॉनसन है, आंखें बंद करके। चाहे मुझे इनके बारे में पता हो चाहे ना हो, जॉनसन बहुत ही विकेट टेकिंग बॉलर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा की बैटल्स, जैसे एमआई बॉलर्स वर्सेस डीसी बैट्समैन। इस तरफ लिखे हैं डीसी के बैट्समैन, इस तरफ लिखे हैं एमआई के बॉलर्स। यहां पे लिखे हैं एमआई के बॉलर्स जो मैंने आपको बताया उन्होंने कितनी बॉलें डाली और वो बैटर्स ने कितने रन्स बनाए और यहां पे कितनी बार उन बैटर्स ने अपना विकेट इन बॉलर्स को दिया है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पे एक बहुत अच्छा प्लेयर बैटल है जिसका टीम यूज भी कर सकती है, जैसे हेली मैथ्यूज जो है 34 बॉलें अभी तक कर चुके शेफाली के सामने, 30 रन बनाए शेफाली ने। 34 बॉले हेली मैथ्यूज की, 30 रन शेफाली वर्मा के, और विकेट तीन बार आउट किया हेली मैथ्यूज ने शेफाली वर्मा को। वैसे यहां पे देखिए आप इजाबेला बोंग शेफाली को एक बार आउट कर चुकी हैं 5 गेंदों में। मैग लेनिन को देखिए, नेट सीवर सिर्फ एक बार आउट कर पाए 68 बॉल्स में, 101 रन दिए, तो लेनिन कितना बढ़िया खेलते हैं आप समझ सकते हैं। हेली मैथ्यूज को भी लेनिन ने अच्छा खेला है, 22 गेंदों में 33 रन देकर एक बार विकेट दिया है, और वोंग ने 21 बॉलों में सिर्फ 14 रन दिए लेनिन को और एक बार विकेट निकाली। वोंग ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई लेनिन के सामने। आगे बढ़ते हैं, रॉड्रिगस की 2 बार विकेट हेली मैथ्यूज ने निकाली, 34 गेंदों में 24 रन देकर 2 बार विकेट है। ठीक है, फिर यहां पे देखो हेली मैथ्यूज और वस्त्रकार ने कैप्सी की एक एक बार विकेट ली है। ठीक है, जबकि आप देखिए हेली मैथ्यूज के सामने 19 बॉल पे 39 रन है, कैप्सी ने काफी पिटाई करी हेली मैथ्यूज की, बट एक बार अपना विकेट दिया है। आगे देखिए, ये देखिए मरीजा ने कैप वर्सेस हेली मैथ्यूज, कैप की 59 बॉल्स पे मैथ्यूज के 79 रन है, 2 बार विकेट दिए। फिर आप देखिए 17 बॉलें मरीजा ने कैप की 11 रन नेट सीवर के, और 2 बार विकेट कैप ने नेट सीवर की निकाली है। तो ये है प्लेयर बैटल्स, और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है जॉनसन वर्सेस हरमनप्रीत कौर का। जॉनसन की 72 बॉल्स पे कौर के रन्स कितने हैं 69, और विकेट कितनी बार दिया है 4 बार दिया है। तो कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर के सामने जॉनसन का यूज किया जाएगा। ये सब चीजें आपको कौन बताता है? फैंटेसी एक्सप्रेस बताता है। ठीक है, तो फैंटेसी एक्सप्रेस की वैल्यू कितनी है जो अश्विनी ग्रोवर ने बताई है वो तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, और अश्विनी ग्रोवर खुद भी वीडियो को देखे और समझे हम कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, आपके एम्प्लॉयज बदतमीजी करते हैं हमसे, ठीक है, वो चीज अच्छी नहीं है। आपका एटीट्यूड जो है हर चीज में, आप धंधा धंधा जो बनाते हैं ना वो मत बनाए कीजिए। टीम देखिए मेरी कैसे बनती है और इस टीम से मैं कैसे विनिंग्स हासिल करूंगा वो आपको बताऊंगा, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, वहां भी जहां पे रूल्स चेंज हो चुके हैं और वहां भी जहां पे रूल्स अभी तक चेंज नहीं हुए, यानी वहां भी जहां पे 3 बैट्समैन लेने हैं 3 बॉलर लेने हैं वो भी टीम बताऊंगा, और जहां पे आप 2 बैटर्स 2 बॉलर के साथ भी टीम बना सकते हैं वो भी टीम बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से देखिए, अब ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, WIPL का फाइनल मुकाबला है। हालांकि इसमें भी बदलाव होंगे और वो मैं आपको एक्सप्रेस ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी है। तो गाइज मेरी टीम देख लीजिए, मेरी टीम में मैंने पिक किसको कर रखा है। सबसे पहले मेरी टीम में आई याष्टिका भाटिया, लेनिन, हरमनप्रीत कौर, ड्रीम 11 पे। ठीक है, ये तीनों बैटर मुझे चाहिए ही चाहिए थी तो मैंने ले लिया, और विकेट कीपर में वैसे भी कोई अच्छी प्लेयर नहीं है, तानिया भाटिया है, तानिया भाटिया को थोड़ी आप लेंगे, याष्टिका भाटिया को ही लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे ऑलराउंडर सारे कवर करे, जॉनसन, अमेलिया केयर, कैप्सी, हेली मैथ्यूज, नेट सीवर, मरीजना कैप, और बोलर्स में मैंने इजाबेला वोंग और इशाक को लिया है। शिखा पांडे भी अच्छी ऑप्शन है बट बहुत अच्छी नहीं। ठीक है, तो ये मेरी टीम बनती ड्रीम 11 पे, जहां पे मुझे फुल फ्रीडम है, कितने भी बैटर कितने भी बॉलर लेकर टीम बना सकता हूं। अब बात करते हैं माय फेव 11 या फिर और कोई फैंटेसी ऐप जहां पे आप 3 बैट्समैन और 3 बॉलर लेना कंपलसरी है। अब यहां पे देखो मैंने क्या करा, तीसरा बैट्समैन फंसाया शेफाली वर्मा को, बट अगेन बोल रहा हूं शेफाली वर्मा से अच्छा बैटिंग एवरेज जेमा रॉड्रिगस का है, बट रॉड्रिगस 4 पे बैटिंग करने आती है, शेफाली ओपन करती है, बस यही समस्या है। ठीक है, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं जमाइमा रॉड्रिगस को ट्राई कर सकते हैं शेफाली की जगह पे, और यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने शिखा पांडे को भी टीम में ले लिया। अब मैंने जो 2 प्लेयर्स लिए ना, शेफाली वर्मा और शिखा पांडे, तो यहां से 2 ऑलराउंडर हटाने पड़े मुझे, वो मेरी मजबूरी थी, तो मैंने कैप्सी और जॉनसन को हटा दिया। इन्हीं को क्यों हटाया? क्योंकि कैप्सी और जॉनसन ने इस साल जो है काफी मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं भी दी है, जबकि हेली मैथ्यूज, नेट सीवर, मरीजना कैप, अमेलिया केयर, इन्होंने मोस्ट ऑफ द मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो सिर्फ स्टैट अगर आप देखें ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको इन 6 में से 4 सिलेक्ट करने हो तो नेट सीवर, हेली मैथ्यूज, मरीजना कैप और अमेलिया केयर सबसे पहले आपको लेनी पड़ेंगी।
उसके बाद जॉनसन और कैप्सी की इंपॉर्टेंस अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये मेरी टीम है ड्रीम 11 पे, ये है मेरी टीम माइफेव 11 पे। इसमें कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में है सबसे ऊपर, मेरा ही कमेंट है, लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।